रोहतक के सांगी गांव की सोनिया उड्डा के पेट में 3 महीना का बालक था, जज्जर के असंडा गांव के रामफड़े राठी का। इन दोनों का ब्याह थोड़े दिन पहले होया था, सितंबर 2004 में राठी खाप की पंचायत हो गया है। और इन दोनों का ब्याह रद्द करके इस नए नवेले पति पत्नी ने बाण भाई घोषित कर दिया है। किस लॉजिक ते ना तो इनका गोत एक उड्डा और राठी और ना इनके गांव कितने लोग दौरे कित सांगी और कित असंडा। कौन सा गणित लाया था पंचायत ने आगे देखियो, और जब प्रशासन का डंडा पड़ा खाप के ऊपर तो किस डाल तक इनने अपना फैसला बदला। आओ देख। दोस्तों, सोनिया उड्डा के दादा उड्डा खाप के प्रधान रहे थे और इनके पिताजी पुलिस में थे, जो उड्डा बहुत लाया कर दे। इस बात ने ध्यान में रख के यह वीडियो आगे देखियो। इन दोनों ने बाण भाई बनाने का फैसला लेकर राठी खाप ने एक बुढ़ा ठेरा कुछ जवाना के लिया रामपुर राठी के घर भेजा। क्यों भेजा? यो बुढ़ा आकर रामपुर राठी तेन बोला, लाई 10 रुपये, आज तो सोनिया तेरी घराली नी बाण है, और ये 10 रुपये तेरी बाण की यानी सोनिया की मान है, जाके उसने दे दे। प्रेशर में रामपुर राठी ने तो ये 10 रुपये उस बुढ़े पर ले लिए, पर सोनिया या करनी पाई या उस बुढ़े के सामने आके नु बोली, मैं रामपुर ना अपना भाई क्यों कर मान लू जब इसका 3 महीने का बालक मेरे पेट में पड़ने लग रहा है। और यह बात कह के या घर ते बाहर चली गई, और इसको इतना गहरा सदमा लग गया इस बात का कि हॉस्पिटल में एडमिट करवानी पड़ी। जब यह बात फैली तो कुछ समाज सेवी राठी खाप के पंच दौरा आए कि बताओ जी, आपने कौन से लॉजिक के साथ सोनिया और रामपुर को बाण भाई घोषित कर दिया, जबकि सोनिया का दादा तो उड्डा खाप का प्रधान था और सोनिया के पिताजी पुलिस में थे, जो उड्डा गोत्र लाया कर दे। तो यो पंच पलट कर बोलिया, क्या बात सही है कि ईब तो सोनिया उड्डा गोत की बेटी है, पर असली में ये 500 साल पहले राठी थे और इसे लॉजिक तक हमने ये बाण भाई घोषित कर दिए। दोस्तों, एक मिनट, आपने लोकल ऑफर एक हरियाणवी टी शर्ट का ब्रांड लॉन्च कर दिया है, जैसे से आपने हरियाणवी टी शर्ट के डिजाइन मिलेंगे और जो कैश ऑन डिलीवरी आपके गांव तक पहुंच जाएंगे, तो तोड़े जाओ लोकल लोफर डॉट कॉम पे, आओ मुद्दे पे उल्टे चल रहे हैं। तो पंच साहब ने पूछा कि आपने इतनी जबरदस्त खोज कद क्यूकर और किन सबूत के आधार पर करी? तो पंच ने कहानी सुनाई कि उड्डा की एक छोरी 500 साल पहले रट्टी गोत में बह गई थी, या उड़े जाके कुछ टाइम में विधवा होगी और उल्टी अपने मायके संगी आएगी। जब यह उल्टी आई तो गर्भवती थी, तो जिस बालक ने जन्म लिया इसके पेट में था वो असली में तो राठी था, पर याद आके उसने उड्डा गोत लाना शुरू कर दिया, और यह जो पीढ़ी है यह उसे राठी की पीढ़ी है, इस तरीके से ये राठी हो गए। यह बात सुन के समाज से भी बोले कि चलो पंच साहब, आपकी बात ना बड़ी करें, बहुत सारे ऐसे छोटे गोत हैं जब वह बड़े गाँव में जाकर बसे हैं तो बड़े गांव के उस गोत ने अपना ले हैं, अपने गोत ने छोड़ते हैं। उस टाइम पे उनके रिश्ते में तो कोई दिक्कत नहीं आंदी, कोई सवाल नहीं ठांदा, आप इस जिद ने भी छोड़ दो। पर राठी खाप के पंच ने कहा, ना जो भी खाप ने फैसला कराया है वो नू का नू रहेगा। जब यो पंच नहीं मान्या तो ये समाज सेवी असंडा गांव में रामपल राठी के घर आ गए। इन्हें देखा रामपल का इतना बढ़िया प्यौत नहीं था, 3 छोटे-छोटे कमरे थे जिनमें से एक में तो रामबल की माँ जो पैरालाइज्ड हो गई थी वह लौटी थी, एक में प्रशासन ने इन तक 2 पुलिसकर्मी दिए थे सुरक्षा थी, इन पुलिस वाले ने रखा था, इनका खाना दाना भी रामपल ने करना पड़ रहा था। रामपल की घरवाली जो ईब तक हॉस्पिटलाइज थी वह भी ठीक नहीं हुई थी, इसी हालत इनके परिवार की होगी थी। लेकिन इसी टाइम पर दोस्तों एक जबरदस्त चीज हुई, यह बात मीडिया में छागी और अखबार वाले टीवी वाले असंडा गांव में घूमने लग गए। और इसे टाइम पे किसी ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में PIL फाइल कर दी कि खाप पंचायत ने न्यू फैसला सुना दिया किसे कपल की जिंदगी को लेकर। बस फिर यह था, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पूरे प्रशासन को जमकर लताड़ लगाई कि तुम कर के रहे थे
जाओ असंडा गांव में और इस कपल ने असंडा में बसन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोर्ट की फटकार सुनकर सारा प्रशासन हरकत में आ गया। डिस्ट्रिक्ट एसएसपी पोत भारी पुलिस फोर्स के साथ असंडा गांव में पहुंच गया और प्रशासन के प्रेशर तय अटके राठी खाप की पंचायत बुलाई गई और जो निर्णय था सोनिया रामपड़ को बाण भाई बुराण का यो रद्द करवाया गया। इब सोनिया और रामपड़ असंडा गांव में बस तो गए थे पर मन में जो कड़वाहट आ गई थी इन खापा के प्रति वह शायद कदे नहीं जाओगी। अरे जो थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करे तो जो गांव के ऊद बालक हो है वह सोनिया के ऊपर तन्ने कसके अटका उन जख्मा ने अरे करता है। दोस्तों आपने जो वीडियो यार तक देखी और आपके पसंद आई है तो अपने चैनल पर एक और इसी वीडियो है सांगवान वर्सेज पुनिया की, यह भी देख लियो, बड़ी जबरदस्त वीडियो है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और भाई जो इस वीडियो को मैंने सारा डाटा लिया वो इस किताब में तय लिया है। दोस्तों यह वीडियो मैं खत्म करना चाहूँ आप तक एक सवाल करके कि सोनिया और रामपाल ने किसकी गलती का खामियाजा भुगता जो एकदम तो इतनी बड़ी आफत इनके ऊपर टूट पड़ी। मैंने आपके कमेंटा का इंतजार रहोगा, तर्क संगत जवाब दियो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।